सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना बिंग सिनेफाइल। सो जैसा कि आप सब जानते हैं, ये वीडियो है अपकमिंग मूवीज के बारे में ऑफ 2018। बट यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि ये वीडियो सिर्फ उन मूवीज को कवर करेगी जो कि एक्समैन सीरीज के अंडर आते हैं। सो नंबर वन है द न्यू म्यूटेंट्स। ये मूवी है म्यूटेंट्स की अगली जनरेशन के बारे में। सो आइए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। Did you know baby rattlesnakes are more dangerous than adult ones? They haven't learned how to control how much venom they secrete. All of you are dangerous. That's why you're here. It's a haunted house. You've been through a lot. Get some rest. सो ये थी एक छोटी सी झलक हमारे न्यू म्यूटेंट्स की। ये मूवी रिलीज होगी 13 अप्रैल को, फ्राइडे द 13th के दिन, और इसमें जो पैसे लगाए जाएंगे उसकी टोटल रकम है $307 मिलियन। अब यहाँ पर आता है एक छोटा सा सरप्राइज उन लोगों के लिए जिन्हें हॉरर मूवीज का शौक है। मैं ऐसा इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि इसके ट्रेलर और पोस्टर्स को देखकर साफ जाहिर होता है कि ये एक हॉरर मूवी है। सो ये आज तक की सबसे पहली सुपर हीरो हॉरर मूवी साबित होने वाली है। नाउ Guess who's back? Yes, आप सबने बिल्कुल ठीक गेस करा। वापस आ चुका है हमारा डेडपूल। हमें हसाने गुदगुदा ने लाया है अपना अगला पार्ट डेडपूल 2। सो आइए देखते हैं इसके एक छोटी सी झलक। Oh Jesus! Oh, that's not good. No. Oh, you're not gonna walk that one off. Oh, that's so gross. Oh. So, ये मूवी रिलीज होने वाली है 1 जून को इंडिया में, और इसका जो बजट है वो है $58 मिलियन। सो आ रहा है डेडपूल हमेशा ने अपने बड़बोलेपन के साथ। खैर ये कुछ ज्यादा हो गया, खैर छोड़िए। नंबर 3 जो मूवी आने वाली है, रिलीज होने वाली है, वो है एक्समैन द डार्क फीनिक्स। ये मूवी रिलीज होगी 2 नवंबर 2018 को इंडिया में, और इसका जो बजट है वो है टोटल $178 मिलियन। ये मूवी है डार्क फीनिक्स सागा के बारे में, जिसकी झलक हमें देखने को मिली थी द एक्समैन द लास्ट स्टैंड के अंदर। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें हमारे पेज को। अगर आपने वो घंटा नहीं दबाया तो आपको घंटा कोई नोटिफिकेशन मिलेगी। So, ना भूलें बीइंग सिनेफाइल।